Oh. नमस्कार माताओं बहनों मेरे प्यारे दोस्तों मेरे भाइयों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवा होम्स डैली में दोस्तों आज मैं आपके लिए आपके जो दिल से ख्वाहिश थी मेरे बहुत सारे भाइयों की माताओं की मेरे पास कंप्लेंट आती है जब वो विजिट करने आते हैं या जब हमारी वीडियो देखते हैं वो कहते हैं थ्री बी है मुकेश भाई कुछ ऐसा लेके आओ जो स्क्वायर में हो लंबे लंबे फ्लैट हमें पसंद नहीं आते कई बार बहुत दिक्कत रहती है तो इस बार आपका भाई आपकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हुए चाहे वो बजट हो चाहे वो स्पेस हो चाहे वो कनेक्टिविटी हो सब चीजों का ध्यान रखते हुए आज आपके लिए थ्री बी का बहुत ही स्पेशियस बहुत ही जबरदस्त फ्लैट लेके आया एंड तक आपने वीडियो देखनी है क्योंकि अगर आप ये सब चीजें ढूंढ रहे थे काफी लंबे समय से तो आज आपकी खोजियां खत्म होने वाली है इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अपने इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं क्या आप विजिट करते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया है है कर दो ठीक वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और इसके बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना नहीं भूलना क्योंकि उसी के माध्यम से जो मैं प्यारे प्यारे फ्लैट आपकी जरूरतों के हिसाब से आपकी पॉकेट के हिसाब से आपके लिए लेके आता हूं उसकी जानकारी आपको इसी के माध्यम से मिलती रहती है तो दोस्तों ओवरव्यू देता हूं ये जो फ्लैट बना है आपको जो मिल रहा है लगभग 110 गज का और इसका जो मैं अगर ऑन पेपर बात करूं तो पिचानवे गज में आपको ये मिल जाता है बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही ज्यादा वेंटिलेटेड होने वाला है क्यों क्योंकि दोनों बालकनिया दोनों रूम से कनेक्ट है फ्रंट साइड में आपका ये आने वाला है और एक जो आपका बैक साइड में भी आने वाला है वो भी आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिलने वाली है क्योंकि वहां पे भी आपको शाफ्ट का प्रोविजन मिलने वाला है बहुत अच्छा फ्लैट है कनेक्टिविटी में बताऊंगा जो द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन है मात्र 600 से 700 मीटर भी नहीं होगा शायद और अगर मेन रोड की बात करूं तो 400 मीटर की दूरी पे ठीक है ये आपको पढ़ने वाला आपका जो ये फ्लैट यानी कि आपके सपनों का आशियाना पीपल रोड पीपल वाला जो रोड है हमारी सबसे फेमस है ना तो बस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही आपको ये मिल रहा है 400-500 मीटर की दूरी भी नहीं है मेन रोड से तो आपको ये मिल जाता है फ्रंट की जो आपको गली मिलने वाली है 20 20 फीट चौड़ी आपको गली मिलने वाली है बहुत अच्छा स्पेस निकल के आने वाला है सारा ओवरव्यू दे दिया मैंने सारी मार्केट्स पास में मिलने वाली है तो चलते हैं और अपने सफर को शुरू करते हैं लेकिन ध्यान लगा के पूरी वीडियो को अंत तक देखना है तो अपना सफर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों माताओं दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं अपने प्यारे की में। बहुत ही है, अभी मैं खड़ा हूं लेकिन उससे पहले प्यारे प्यारे और ये हमारा एंट्रेंस डोर है मेन डोर और इतना अच्छा प्रीमियमनेस मुझे फील हो रहा है चाहे मैं इसके लेमिनेट में हाथ लगाऊं उसकी फिनिशिंग में हैंडल में करूं मैं चाहूंगा अनुपम जिसे एक बार आपको बाहर का पैसेज एरिया दिखाएंगे जहां से हमारी लिफ्ट और हमारा स्टेयर जो है वो आपको दिख जाता है स्टेरकेश यानी कि नीचे आपको आपकी फोर व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है सामने आपका लिफ्ट एरिया आ गया देखो कितनी प्यारी टाइलिंग के साथ पूरा ऊपर तक आपको इतना प्यारी लिफ्ट मिल जाती है यहाँ पे और ये हमारा पैसेज एरिया है अब इस पैसेज एरिया से जब आप आते हो अपने सपनों के आशियाने यानी कि अपने घर पे तो एंट्रेंस से मैं आपको दिखाना चाहूंगा एंड टू एंड बहुत ही प्यारा लिविंग स्पेस निकल के आ रहा है आपका कितना बड़ा लिविंग एरिया मुझे दिख रहा है मैं जाऊंगा अनुपम जी और पीछे जाए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है वायर्स की लेकिन आप देख सकते हो देखो बिल्कुल एंड टू एंड इतना बड़ा लिविंग एरिया कोई लंबाई में नहीं किसी भी तरीके का नहीं बिल्कुल स्क्वायर साइज में आपको सारे आपके रूम्स मिलने वाले हैं और देखो वॉलपेपर इस बार कोई कंजूसी आपको कहीं नहीं दिखने वाली है चाहे वॉलपेपर हो फॉल सीलिंग हो कुछ भी चीज हो सब कुछ यहां पे आपको एक नंबर का काम मिलने वाला है ठीक है बहुत प्यारे वॉलपेपर हो गए फॉल सीलिंग देखो अभी अभी मैं किसी थ्री स्टार होटल से आया था तो बिल्कुल ऐसे ही फील मुझे आज यहां आ रहा है कि फॉल सीलिंग भी मुझे इसी तरीके की दिख रही है और ये जो कमरे की ग्रेस को बढ़ाता है ना ये देखो कितना प्यारा आपको यहाँ पे झूमर मिलने वाला है बहुत ही आपने अपना पेन ड्राइव लगाना है गाने चलेंगे आपके जो आपको लगाना है सब कुछ मैं थोड़ा बंद करूंगा क्योंकि गाने बज रहे हैं अभी मैं डांस करने लग जाऊंगा वरना तो साथ में आपको फॉल सीलिंग में आपको प्यारी प्यारी लाइटिंग के साथ में दो ब्रांडेड फैन मिल जाते हैं बहुत अच्छे जबरदस्त अच्छी क्वालिटी के फ्लोरिंग दिखाऊंगा इस बार बड़ी बड़ी फ्लोर रखी बड़ी, बड़ी बड़ी फ्लोरिंग रखी है बड़ी बड़ी टाइलें ऐसा नहीं छोटे छोटे रखे होंगे बहुत हाई डिमांड पे बहुत प्यारी सी आपके यही एक सब आपके कर्टेन से आपके फर्नीचर से वॉलपेपर से बहुत प्यारा सा कॉन्ट्रास्ट और बहुत ही सुदिंग कलर निकल के आता है सामने वाली वॉल पे आप देखोगे कितना बड़ा एलईडी पैनल हर बार मैं आपसे बोलता हूं शिवा होम्स आपके लिए हर बार अच्छी अच्छी चीजें बड़ी बड़ी चीजें लेके आता है सारे शेल्फ आपको मिल जाते हैं यहां पे चाहे मैं क्लोज डॉर की बात करूं ओपन की बात करूं ये सब चीज आपको यहां मिलने वाली है और सामने इस वॉल पे आप देखते हो यहां पे आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिल जाता है अब प्लेसमेंट समझने वाली बात है यहां पे लगाना है आपने अपना एल टाइप का सोफा सेंटर में आपकी टेबल आ जाती है आराम से एक दो तीन तीन से चारफीज रख सकते हो फिर भी आपका पूरा स्पेस बचता है और ये वाला भी तो एरिया अपने पास ये एरिया कहां जाएगा यहां पे भी आप अपना कुछ भी एक डाइनिंग टेबल लगा सकते हो चेस्टर यूनिट रख सकते हो कुछ भी आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए आपको इंटरकॉम की सुविधा मिल जाती है कोई भी आपके घर में बिना इजाजत प्रवेश नहीं कर सकता इतना बड़ा आपका लिविंग एरिया है जबरदस्त अब आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे कर्टन लगाए हैं अंदर में तब घुसने दूंगा कर्टन के अंदर जब आप माताएं बहने मेरे भाई रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है हमें ऊंचाइयों पे लेके चलना है वैसे आपका आशीर्वाद हमेशा बना हुआ है और हम लोग तरक्की भी करते जा रहे हैं लेकिन इसी तरह का प्यार बनाए रखना है ताकि हम अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आए अब हम अंदर एंटर करते हैं अब आपको प्रवेश करने की अनुमति है अब आप अंदर घुस रहे हो तो देखेंगे कितनी प्यारी आपको यहां पे किचन मिलने वाली है एल टाइप की बहुत जबरदस्त कलर में आपको यहां मिलने वाला है सिंगल कलर रन कर रहे हैं यहां पे कोई बिल्कुल बिल्कुल प्रीमियम और स्मार्टनेस के साथ आपको यहां पे पूरी हाइट तक मैंने आपको ओवरहेड यूनिट दे रखी है यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस आ जाता है बहुत अच्छा फ्रिज का स्पेस निकल के आ रहा है चाहे आपका कितना भी बड़ा फ्रिज हो सारे स्टोरेजेस जितने भी आपको चाहिए बड़े बड़े आपको कुछ भी रखना रह है कंटेनर हाइड्रोलिक के साथ आपको यहाँ पे ऊपर वाले ओवरहेड मिल जाते हैं नीचे वाले ओवर भी इसी तरह से चिमनी आपका भाई यहां पे देगा साथ में आपको नैनो व्हाइट पत्थर सब कई हाईली डिमांड होती है नैनो व्हाइट पत्थर क्योंकि ये प्रीमियमनेस और क्वालिटी तो इसकी एक नंबर जबरदस्त होती है सारे आपको अच्छी कलर कॉम्बिनेशन के वो मिल रहे हैं ऊपर आप देखोगे टाइलिंग भी कितनी अच्छी है स्टेनलेसलेशन यहां मिल रही है स्टेनलेस स्टील की और वो भी नॉइसलेस साथ में वेंटिलेशन मिल जाता है एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा सारे नेसेसरी जो टैप चाहिए होते हैं वो भी मिल जाएगा कितनी प्यारी टाइलिंग वाह मेरी शक्ल दिख रही है बड़ा चमकदार सा होने वाला है और ऊपर भी आप देखोगे एक फैंसी लाइट के साथ पूरी फॉल सीलिंग रन कर रही है ना बहुत स्मार्ट हमारी किचन आ जाती है अब हम चलते हैं हमारे जो मास्टर बेडरूम है मैं आपको पहले मास्टर बेडरूम दिखाता हूं जब हम अपने किचन एरिया में चलिए मास्टर बेडरूम नहीं मैं फ्रंट वाली सीधे दिखा देता हूं आज है ना फ्रंट वाले जो दो रूम मैंने कहा था बालकनी मिलने वाली है तो पहले रूम में किचन के लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर चलता हूं तो फर्स्ट मेरा बेडरूम आता है तो देखो कितना प्यारा वॉलपेपर ये आप सबको दिख जाएगा मेरे भाई मुझसे कहते हैं कि मैं ज्यादा प्रकाश डालता हूं वॉलपेपर्स पे दोस्तों डाउट no मैं प्रकाश डालता हूं क्यों क्योंकि अच्छी चीजें जब होंगी तो आपको बताना और उसको आजादा ब्रीफ करना बहुत अच्छा लगता है और अगर अच्छा ही नहीं होगा तो मैं उसको इग्नोर करता हुआ आगे चले जाऊंगा तो इसलिए मैं हर बार उसकी तारीफ करता हूं बहुत अच्छा थ्री डी वॉलपेपर आपको मिल जाता है फॉल सीलिंग का डिजाइन देखो बिल्कुल डिफरेंट

आपके फर्नीचर से आपके डोर से आपकी विंडो से तो ये मिल गया आप इतनी बड़ी विंडो साथ में आपको मैश लगा के दे रखी है जाली यानी कि मच्छर वच्छर ना आए शीशे लगे हुए हैं ऊपर आपका विंडो एसी लग जाता है अब पहली बालकनी पहले रूम से जो कनेक्टेड है देखो कितनी धूप आ रही है समय हो रहा है इस टाइम लगभग साढ़े बारह धूप एकदम जबरदस्त है पूरे कमरों में बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही है पूरा वहां पे आपका मशीन लग जाता है यहाँ भी सामने आपको टैप मिला हुआ है एस एस की आ, 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 आपको यहाँ पे ये यह रेलिंग मिल जाती है काफी अच्छा स्पेस निकल के आता है आपका बालकनी का और बहुत अच्छा यहाँ पे सूर्योदय जब होता है और जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक पूरा उजाला रहता है अगर आप लाइट भी बंद कर दो तो ये हमारी फर्स्ट बालकनी थी और फर्स्ट बेडरूम था हमारा और जब हम मैं बाहर निकलता हूँ इससे किचन एरिया से होते हुए बिल्कुल इसके सामने तो यहाँ पे मेरा सेकेंड बेडरूम आ जाता है और सेकेंड बेडरूम में जब मैं घुसता हूँ तो फिर से बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स और बहुत अच्छे कलर थीम के साथ आपको यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाता है बहुत स्मार्ट और डिफरेंट मिलने वाला है साथ में इसकी फॉल सीलिंग देखेंगे आप कितनी प्यारी फॉल सीलिंग यहाँ पे भी डिफरेंट पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके की लाइटिंग मिल जाती है एक ब्रांडेड फैन आपको मिल जाता है साथ में इस वाले रूम में भी आपको वॉलड्रॉप मिल जाती है देखो फिर से इतनी बड़ी और विशाल वॉरड्रॉप पूरा ओवरहेड तक मिल जाती है ठीक है बहुत प्यारा है। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है हैंडल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और साथ में आपके कर्टेन देखोगे आप वॉल पेपर और हर चीज से मैच करते हुए और बहुत ही बड़ी विंडो और विंडो एसी का प्रोविजन अब आपकी बालकनी नंबर टू मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से देखिए यहाँ पे भी सेम बालकनी का साइज है चाहे आप यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन रख सकते हो बहुत अच्छा है यहाँ पे वेंटिलेशन और काफी अच्छा जो लुक है वो आपको मिल जाता है तो दोनों रूम में बालकनी होना थ्री बी में बहुत इम्पॉसिबल होता है लेकिन हमने कहा ना कि हम आपकी जरूरतों को समझते हैं और हर बार कुछ नया करने की सोच लेके मार्केट में आते हैं और वीडियो लेके आते हैं आपके लिए अब जब मैं अपने किचन एरिया से होते हुए ये मेरा लिविंग एरिया था अब मैं चलता हूं बिल्कुल एंट्रेंस के साथ में मेरा जो मास्टर बेडरूम है जो थर्ड बेडरूम है वो आपको यहां मिल जाता है देखो कितना अच्छा स्पेस इसमें निकल के आ रहा है काफी खुला खुला आपका बेड भी आपकी जो भी जरूरत की चीजें वो लग जाएंगी और सामने आता है आपका ये वॉलपेपर है ना डिफरेंट इस बार अब मुझे बताओ कि जब आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो मुझे तारीफ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए क्योंकि इतने अच्छे अच्छे वॉलपेपर होते हैं तो तारीफ तो बनती ही है तो ये वॉलपेपर मिल जाता है ऊपर सीलिंग का डिजाइन देखो कितना स्मार्ट है है ना लाइटें इतनी प्यारी प्यारी लगी हुई है बिल्कुल सामने वाली वाली वॉल वाल पे देखते हो आप इतना बड़ा एलईडी पैनल मिल गया आपको सारे आपको जो भी आपने इस चीजें रखनी होती है डिश टीवी वगैरह वो रख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल मिनी पोर्टेबल आपको यहां पे ड्रेसिंग टेबल मिल गया जो भी छोटी मोटी चीजें हैं आप इस ड्रॉल में रख सकते हो शीशा लगा हुआ है तैयार हो सकते हैं एकदम स्मार्ट लग सकते हैं तीसरा बेडरूम थर्ड वार्ड्रॉप देखिए पूरा ओवर हाइट तक काफी अच्छा स्पेस निकल के आ जाता है इस वाले वॉर्ड्रॉप में भी आपको ठीक है तो जगह की कमी नहीं होने वाली है कपड़े कितने भी आपके पास हैं सब कवर्ड होने वाले हैं और इसी रूम में जो कनेक्टेड वेंटिलेशन के लिए बहुत ही प्यारी सी और खुली हवादार शाफ्ट मिल जाती है आपको वेंटिलेशन भरपूर मिलता है कर्टेन आपको लगा के दिख रहे हैं कितना स्मार्ट लगता है और इसी में आपका एक अटैच टॉयलेट बाथरूम आ जाता है काफी अच्छे स्पेस के साथ डिफरेंट इस बार आपका जो सीट एरिया है वो बिल्कुल हाइड है वो दिखने वाला नहीं है आराम से दो लोग सेपरेटली काम कर सकते हैं यहाँ पे अगर किसी को ब्रश करना है या किस कुछ भी है तो आप यहाँ पे वॉश बेशन है शीशा लगा के दिया हुआ है वो आपका शार है सामने और पीछे की तरफ आपका देखोगे वहां पे आपको सीट एरिया मिल जाता है जहां से आपको एग्जॉस्ट का प्रोविजन भी ऊपर मिल रहा है और बहुत अच्छी टाइलिंग के साथ में देखो कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन पूरा फुल हाइट तक करके दे रखा रहेगा ता, ताकि आपको सीलन वाली प्रॉब्लम जो होगी ना वो लाइफ टाइम ना है तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे आ, जो आपका वॉशरूम है उसका स्पेस मिल जाता है अब जब मैं इससे बाहर आता हूँ इस बेडरूम से बाहर निकल के आता हूँ ये हमारा थर्ड बेडरूम था <laughs> और फिर से अपने लिविंग एरिया में आ जाता हूँ ये मैंने आपको दिखाया था पूरा लिविंग एरिया था मेरा और इसी से कनेक्टेड हमारा कॉमन वॉशरूम अब कॉमन वॉशरूम का साइज देखो ये भी बहुत प्यारा निकल के आया है बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे टाइल का काम करके मिल जाता है आपको आपका सीट सामने लगा हुआ है थोड़ा सा आगे जाके देखते हो तो वॉश बेसिन मिल जाता है आपको यहाँ पे जितने नेसेसरी टैप चाहिए ऊपर आप सामने देखो बिल्कुल आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन मिला हुआ है तो काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे भी निकल के आ जाता है बहुत स्मार्ट से हमारे ये वॉशरूम बन के आ जाती है और मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ अपने लिविंग एरिया में मतलब कि लिविंग एरिया नहीं मतलब मेरा विशाल लिविंग एरिया तो अगर आपको नक्शा समझ आ गया है मेरी सारी बात कहीं भी समझ आ गई है वीडियो आपने पूरे अंत तक देख लिया है तो जल्दी से कॉल करना है क्योंकि इस बजट में पूरे उत्तम नगर पूरी दिल्ली पूरे एनसीआर में अगर आपको इस बजट में थ्री बी के इतना प्यारे नक्शे के साथ मिल जाता है तो आप मुझे बताना क्योंकि कहीं नहीं मिल सकता तो जल्दी से अपनी विजिट बुक करनी है अपना आशिया न बनाना तो कैसा लगा आपको अपना ये थ्री बी का बहुत ही ज्यादा खुला खुला बहुत ही स्पेस वाला मतलब बालकनी वेंटिलेशन सब कुछ इतना जबरदस्त मिलने वाला और वो भी स्क्वायर शेप में और इतने से कम दामों में आप जब इसका जब आप मुझे कॉल करोगे इसकी इंक्वायरी के लिए तब जब आप इसके दाम सुनोगे ना तो आप बिल्कुल अचंबित रहने वाले हो तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे आपने कॉल करना है अपनी विजिट बुक करानी है और अपने इस आशियाने को अपना बना लेना है ठीक है साथ में आप अपने इस चैनल को तो मैं बोलूंगा ही सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके के बहुत ही जबरदस्त बोले तो रापचिक वाले फ्लैट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत